केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी आमद, भीड़ प्रबंधन के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात। रायपुर में एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और को पायलट की मौत, सीएम भूपेश बघेल ने जताया शोक। घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा महिला का साझा घर में रहने का अधिकार वैवाहिक घर तक सीमित नहीं। पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल को घर के बाहर मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। भारत में पिछले 24 घंटों में 2,841 नए कोविड मामले सामने आए, 3,295 रिकवरी और 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, कुल सक्रिय मामले 18,604 हैं। ज्ञानवापी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सवे पर रोक लगाने से किया साफ इनकार, कहा पहले फाइल तो देख ले। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग में ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर पथराव की घटना में शामिल होने के आरोप में 3 गिरफ्तार। गोवा में रूसी पर्यटक की नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में कर्नाटक में युवक गिरफ्तार। 7 साल में कितने कश्मीरी पंडित घाटी पहुंचे, टारगेट किलिंग पर संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरा। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान और आप विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में शाहीन बाग और ओखला में दुकानें बंद रहीं। आप विधायक की पत्नी ने पति अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में दुकानों को बंद रखने की अपील की थी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, पाकिस्तान के आम लोग भारत के दुश्मन नहीं, इमरान खान के लिए जताई सहानुभूति। केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरी पंडितों की हालिया हत्याओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान बडगाम में एयरपोर्ट रोड की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला हवाई अड्डे से रोड शो किया। दिल्ली में भाजपा का बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना है, इस मामले में मैंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर भाजपा ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है, इनमें से 60 लाख कच्ची कॉलोनी और झुगी झोपड़ियां हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जमात ए इस्लामी ने जम्मू कश्मीर में हिंसक अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़कात फंड का दुरुपयोग किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडित का अंतिम संस्कार। जेल के जमादार पर जोर से चीखी आईएएस पूजा सिंघल, ले जाओ अपना चना गुड़, मुझे नहीं चाहिए जेल का खाना। पूजा सिंघल को जेल में जमीन पर एक चादर में लेटना पड़ा, पूरी रात मच्छरों ने परेशान किया, कष्ट के बीच जेल में रात बीती, सुबह नहाना नसीब नहीं हुआ, चना गुड़ चूड़ा मुरही गले से नहीं उतरा। मनसुख मंडाविया ने कहा, देश में हाई क्वालिटी हेल्थ के इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत है।